छोटा सा ये लीजिए, ले 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 लीजिए, आइए आइए। कि जो केसरी क्या हुआ है नहीं लेंगे, एकदम ताजा ताजा लेंगे। बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो अगले दिन सीता मैया क्या देख रही है, हनुमान जी भी नहा धो के पूरे शरीर में पूरा मल रहे हैं, लाल लाल सिंदूर पूरे शरीर में मल लिए। जब पूरा शरीर में सिंदूर मल लिए, अब खत्म हो गया। तो पूरे शरीर में जब सिंदूर मल, अब खत्म, सिंदूर मल लिए और लपेट के बैठे हुए हैं, पूरा मगन है कि आज तो प्रभु के पास जाएंगे, राम जी को दिखाएंगे और वो बड़े खुश होंगे हम पे। तो गए, माता सीता और रामचंद्र जी बैठे थे, इसको देखे तो माता सीता तो समझ गई कि क्या भोलापन है, बालपन है इनके अंदर में। और उसे रामचंद्र समझ नहीं सके तो पूछे, मैया मुस्कुरा क्यों रही हो? बोला, देख लीजिए कितने प्रिय तो आप इनको करते हैं, इतना मानते हैं, और फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं है कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहां ला ला ला। ओहो छोटू छोटू छोटू, आइए आइए आइए। कहा जाता है हमारे जो ये हनुमान जी हैं, ये बड़े बलशाली हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत। आइए आइए आइए। ओहो हो लीजिए, बाप रे, ए बदमाशी नहीं, लीजिए लीजिए। तब मेरा छोटा, कहते हैं कि हनुमान जी हमारे बड़े ही वीर बहादुर, बहुत वीर बहादुर। और इनकी एक बड़ी रोचक कथा है। रोचक कथा ये है कि ये राम जी के तो दूत थे, राम जी से बहुत प्रिय करते थे, राम जी का बड़ी मानते थे राम जी से। देखिए पीछे से मुझसे भाग रहे हैं, वाह, आइए 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 लीजिए लीजिए। तो जब राम जी के साथ ये लगे रहते थे तो देखते थे कि राम जी कम बट सीता मैया अधिक प्रिय हैं। तो सीता मैया से प्रिय होने के कारण ये बड़े थोड़े से तो हो ही जाती है कि हम भी राम जी को चाहते हैं और राम जी सीता मैया से अधिक प्रिय करते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह क्या देखते हैं ये कि माता सीता अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और श्रृंगार कर रही थी, तो सिंदूर लगा रही थी। तो पूछे, जैसे भी हमारे पास अगल बगल बैठे हैं पूरी कहानी सुन रहे हैं, तो पूछे कि माँ ये क्या कर रही हो? माता जी बोली कि ये आपके स्वामी श्रीनाथ रघुनाथ के प्रेम का प्रतीक है, हम उनकी पत्नी हैं, उनके प्रिय हैं। अच्छा, तो भगवान को इतना प्रिय है, भगवान को इतना प्रिय है? बोला हाँ, भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है कि आप थोड़े से सिंदूर लगाएं या थोड़ी सी कुछ करें। तो सुन लिए और सुनने के बाद ही, कितने तेज हैं ये, कटा हुआ है नहीं लेंगे, एकदम ताजा ताजा लेंगे। बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो अगले दिन सीता मैया क्या देख रही है, हनुमान जी भी नहा धो के पूरे शरीर में पूरा मल रहे हैं, लाल लाल सिंदूर पूरे शरीर में मल लिए। जब पूरा शरीर में सिंदूर मल लिए, अब खत्म हो गया। तो पूरे शरीर में जब सिंदूर मल, अब खत्म, सिंदूर मल लिए और लपेट के बैठे हुए हैं, पूरा मगन है कि आज तो प्रभु के पास जाएंगे, राम जी को दिखाएंगे और वो बड़े खुश होंगे हम पे। तो गए, माता सीता और रामचंद्र जी बैठे थे, इसको देखे तो माता सीता तो समझ गई कि क्या भोलापन है, बालपन है इनके अंदर में। और उसे रामचंद्र समझ नहीं सके तो पूछे, मैया मुस्कुरा क्यों रही हो? बोला, देख लीजिए कितने प्रिय तो आप इनको करते हैं, इतना मानते हैं, फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं है कि माता सीता को ये अधिक मानते हैं, हमको कम मानते हैं, प्रभु इनको इनके मनचाहा वर दे दी, इसलिए ये राम के प्रिय हैं, बहुत ही रघुनाथ के बहुत ही प्रिय है। और बड़े बलशाली भी थे। हाँ, ये छोटू देख रहे हैं ना, ये बहुत प्रिय, कितने प्रेम से मुझे देख रहा है, बहुत बलशाली भी थी। कहा जाता है बचपन में ऐसे ही छोटू सा था, नहीं जो सामने वाला है, और इनको भूख लगा था तो माँ को बोला कि माँ भूख लगा है, कुछ नाश्ता दो, और माँ को लेट हो गई।
अंजनी का लेट होने से माता अंजनी ने बोला ठीक है घर के कुछ काम कर रहे होंगे तो लेट हो गए। ये खेल खेल में इनको देखा ऊपर भगवान भास्कर उगते हुए सुबह सुबह, तो ऐसे ही पहुंच गए। उड़ते तो थे, भूख लगी थी, शरीर की पूरी एनर्जी लगी, उड़ते 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 भगवान भास्कर के पास चले गए और भगवान भास्कर को एक छोटा सेब समझकर मुंह के अंदर दबा के रख दिया और पूरी धरती अंधकारमय हो गई, पूरा ब्रह्मांड। तब कैसे कैसे पता चला कि प्रभु ने ही तो लग के रखा है मुंह के अंदर। और उसके बाद फिर इनसे बाहर निकालने की प्रार्थना की गई और प्रार्थना करके बाहर निकाले। और इसी कहानी को ये दोहराए थे कब, जब श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा था, हुसैन वैद्य ने बोला कि दवा तो काम करेगा लेकिन सूर्यास्त के सूर्योदय के पहले। अब इन्होंने सोचा जाना है हिमालय पर्वत पे, दवा जड़ी बूटी लेके आना है और कहीं पवन भगवान निकल गए तो मुश्किल होगी। ये क्या किए, ये महाशय हिमालय जाते जाते पहले उनके पास पहुंचे और बोले कि भगवान भास्कर आपके कुल का, क्योंकि लक्ष्मण जी भी सूर्य कुल के थे, सूर्यवंशी थे, आपके कुल का कोई लाल जो है तकलीफ में है, मृत्यु सैया पे जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है और उनकी जान बचाने के लिए मैं दवाई लाने जा रहा हूँ, लेकिन वो तभी कारगर होगा जब आप निकलेंगे, नहीं तो प्रभु निकलना नहीं है आपको। जब तक हम आ नहीं जाए और उठ नहीं जाए, जब तक दूसरा सूर्य पुत्र जग नहीं जाए, सूर्य को उगना नहीं है। तो महाराज सूर्य तो उन्होंने बोला देखो मेरा तो अपना कोई बस नहीं है, मैं तो चलता रहता हूँ। बोला नहीं, आज अपनी बस दिखानी है। अब देखिए भगवान सूर्य थोड़े से तर्क भी तर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने एक लाइन में अपना परिचय दिया कि आप तो पहचानते हैं सूर्य भगवान, मैं वही हूँ पवन पुत्र और आपसे मेरी आपकी हमारी पहली मुलाकात भी एक बार हो चुकी है बचपन में, याद ही होगा आपको। तो हम बड़े मतवाले आदमी हैं तो हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि या तो अपने सूर्य पुत्र को जगाने में हमारी मदद करिए, नहीं तो करवाने की इच्छा तो अगर हमारी हो गई तो आपको तो बचपन से ही हमारा पाला पड़ा हुआ है। तो उस समय जब पवन पुत्र उतना मतवाला था तो आज तो रामदूत भगवान भी हैं, रघुवीर के आज हम दूत भी हैं। और उस समय मैं खेल खेल में आया था, आज तो मैं एक निमित्त कार्य करने जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं भगवान कि आप उगेंगे या नहीं उगेंगे। तो प्रभु हाथ जोड़ के आपसे पाला है कि आप जब तक भगवान सूर्य आ नहीं जाते उगेंगे नहीं, तो प्रभु हम भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसे ही खाइए आशीर्वाद दे के जाइए। कितने प्रेम से आपको दिख रहा होगा, इतने हमारे पास और लगभग रोज आ ही जाते हैं, सोचता हूँ कुछ प्रभु का भोग लग जाए सुबह सुबह, और लग जा रही है क्या, अब खत्म हो गया, अब नहीं है, खत्म हो गया प्रभु, खत्म, अब खत्म हो गया, गुस्सा कर रहे हैं ये, अब खत्म हो गया प्रभु, अब फिर खिलाएंगे लाएंगे तो अब फिर लाएंगे तो खिलाएंगे, अब खत्म हो गया। सबसे बड़ी समझदारी, दूसरे जानवर भल्ला करते नोचते खाते, पेट नहीं भरा होगा मुझे पता है, सबको दो या तीन करके मिला, पेट नहीं भरा होगा, लेकिन संतुष्टि के साथ खा खा के अब सब बैठ गए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और जब तक नहीं देंगे वो जो छुटकू सब है हमारा, वो परेशान करेगा, छत पे कूद के, गेट को कूद के, उधर परेशान करके, इधर परेशान करके, कहेगा जल्दी लाओ और मुझे खिलाओ। आज हो गया, आज का खत्म, जय हो पवन तनय, पवन तनय संकष्ट हर नौ मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र शंकर भजे।